हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एप्पल हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये एप्पल हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आइए देखते हैं एप्पल हलवा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने चार बड़े सेब लिए थे, लाल वाले सेब लिए थे मैंने, और उसे मैंने अच्छी तरह से धोकर कद्दूकश कर लिया था। इसे जब आप हलवा बनाएं तभी कद्दूकश करें, पहले से करके ना रखें वरना ये काला हो जाता है। 1/4 कप मैंने चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1/4 कप लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है, इसका टेस्ट देसी घी में बहुत अच्छा आता है। और ये 1 टीस्पून मैंने गुलाब जल लिया है। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने किशमिश, पिस्ता, काजू और बादाम लिए हैं, सभी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स। और इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और ये 1 पिंच मैंने सिनेमन पाउडर लिया है। 4 हरी इलायची को मैंने क्रश कर लिया है। 1 पिंच मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। तो आइए देखते हैं एप्पल हलवा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो उसमें जो मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी लिया था वो ऐड कर देंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा तो हमने जो सेब को ग्रेट करके रखा था वो डाल देंगे। मैंने इसे छिलके के साथ ग्रेट किया है, छिलका मैंने नहीं छीला है। और जब हलवा बनाएं तभी ग्रेट करें, पहले से करके रखेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक सेब का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और घी अलग नहीं हो जाता है। ये हमारे हलवे को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से भुन गया है, ये सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसमें जो मैंने फूड कलर लिया था 1 पिंच वो ऐड कर देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। और फूड कलर डालकर भी हम इसे 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। ये मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है अच्छी तरह से। अब हमने जो चीनी ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, मैंने 1/4 कप ऐड किया है। और चीनी ऐड करके हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे लगातार चलाते हुए। चीनी का पानी रिलीज़ होगा तो उसके पानी के ड्राई होने तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए चीनी का पानी रिलीज़ हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम हाई करके इसे भून लेंगे। ये हमारा एप्पल हलवा अच्छी तरह से भुन गया है, सारा पानी ड्राई हो गया है। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स, सिनेमन पाउडर और इलायची लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से घी अलग होने तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए हमारा हलवा अच्छी तरह से भुन गया है, इसे भूनते हुए 1.5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गुलाब जल ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। ये मैंने गुलाब जल डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है 1 मिनट तक। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। हमारा एप्पल हलवा रेडी है सर्व करने के लिए। ये हमारा यमी, टेस्टी और डिलीशियस एप्पल हलवा बनकर तैयार हो गया है। बनाने में आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।